कल के निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड की अगर मैं बात करूं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में बात करें, उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना, चाहो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। बात करें कल की निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो कल का निफ्टी का ट्रेड एकदम सिंपल ट्रेड बन के आएगा। कल के निफ्टी का ट्रेड जो होगा 17,800 का जो हमारा लेवल था वो क्रॉस हुआ। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ कल का जो निफ्टी का एक सिंपल ट्रेड बन के आएगा कि कल निफ्टी आज का अगर मैं बात करूँ ये लेवल जो कि करीब करीब निकल के आता है आपका 17,120, 17,110, 17,120, 110 अगर ये पार करता है 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। कल दो ही ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। कल हाई चांसेस है कि कल नहीं तो परसों एक अगेन आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड। किस तरीके से प्ले करेंगे कि कल भी अगर ये साइडवेज रहा, ऐसे समझिए कल ये गैप को फिल करता है मॉर्निंग में और उसके बाद ये पूरा दिन साइडवेज ही रह जाता है तो आप फंस जाओगे। तो उसके लिए सिंपल बेस्ट ट्रेड क्या होता है कि 17,120, 110 पार करें, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का आपका टारगेट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 60 पॉइंट का टारगेट निफ्टी के अंदर है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। अप साइड में सेम 17,200 पार करें, 180, 200 पार करें, 180 ही पार करें, अगेन 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड देन 1:1, 1:2 का टारगेट एंड देन ट्रेड। तो सिंपल इतना ही आपको काम करना है कल निफ्टी के अंदर। ज़्यादा ट्रेड मत लीजिएगा क्योंकि कल भी अगर आज के जैसे साइडवेज रहा तो काफ़ी ऑप्शन के प्रीमियम बहुत कम है और उसमें आप फंस गए तो और फंस जाओगे। बेस्ट केस दो ही ट्रेड लेना है, इसके नीचे गया मैं इतना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इतना मेरा मिनिमम टारगेट होगा, इसके ऊपर गया अगेन इतना मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मिनिमम इस बार रहेगा। इतना ही काम करना है और उसके आगे ट्रेड करना है, उसके आगे ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है निफ्टी के केस के अंदर। ज़्यादा आप सोचोगे, ज़्यादा आप लगाओगे कि भाई ये भी मैच कर लूँ, ये डेटा मैच कर लूँ, वो डेटा मैच कर लूँ, उस चक्कर में फिर फंस जाओगे। बेस्ट केस सिनेरियो सिर्फ इतना ही बनेगा। बैंक निफ्टी में भी बात करें तो बैंक निफ्टी में वो ट्रेड आज ट्रिगर अभी एंड में हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कल अगर फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी, फ्लैट खुलते से ही आज का लो ब्रेक करता है, अगेन यही कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट कितना मिनिमम आपका होगा 42,000, 42,900 यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। अप साइड में आज का हाई ब्रेक करे 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मिनिमम 1:2 का टारगेट एंड देन ट्रेडिंग। ज़्यादा कल ट्रेड मत लेना निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, ट्रेंड होगा तो वो पता चल जाएगा आपको, ये दो लेवल ब्रेक होने से पता चल जाएगा कि किस साइड का ट्रेंड है। और ट्रेंडिंग नहीं होना है तो वो फिर पूरे दिन साइडवेज 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 रहते ही कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज करेगा एंड देन थर्सडे को बड़ा गैप अप गैप डाउन के साथ खुलेगा क्योंकि फिर वो फेड का मीटिंग का आउटकम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके बाद, तो वो थर्सडे को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल के लिए बेस्ट ट्रेड यही बनेगा, सिंपल ट्रेड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दो लेवल से फोकस कीजिए एंड काम कीजिए, ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं।